सड़कों पर किए जा रहे गड्ढों को लेकर यूथ कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बिजली विभाग और जल विभाग को बारिश के समय गड्ढे खोदने के लिए किया जाए मना। आज यूथ कांग्रेस अध्यक्ष याशिर चिश्ती के नेतृत्व में कलेक्टर को सड़कों पर हो रहे गड्ढों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। याशिर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अभी केवल मानसून की 2 बारिश हुई है और बारिश पड़ने के साथ ही सड़कों पर कई जगह गड्ढे हो रहे हैं जिनमें पानी भर गया है। इसकी वजह से राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। 2 पहिया वाहन चालकों के साथ सड़क दुर्घटना होने की संभावना हर समय बनी रहती है। याशिर का कहना है कि बारिश के समय ही क्यों बिजली विभाग और जलदाय विभाग गड्ढे खोदकर अपना कार्य करती है। बस बारिश के मौसम में दोनों विभागों को अपना कार्य बंद रखने के लिए और गड्ढे खोदने के लिए मना किया जाए, इसको लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया। अभी मानसून के चलते, मानसून सिर्फ राजस्थान में पहुंचा ही है, 2 बारिशें अभी अजमेर में हुई हैं, उसके सिर्फ 2 बारिशों के अंदर अजमेर के अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि जिसकी वजह से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। बीती रात भी शास्त्री नगर जो एरिया है उसके अंदर विद्युत विभाग है, उन लोगों ने गड्ढा खोद करके और वो लोग वहाँ पे से मट्टी भर के चले गए और रात को वहाँ से कोई बुजुर्ग व्यक्ति निकल रहे थे, वो उस गड्ढे के अंदर अचानक उनकी गाड़ी उसमें स्लिप हुई, वो गिरे और काफ़ी ज़्यादा उनके चोटग्रस्त हुए। और सिर्फ यही नहीं, अजमेर के अंदर लगातार ये जो सड़कें एक तरफ में जनता के टैक्स को लेकर के, सरकार के पैसे को लेकर के एक तरफ में पूरी सड़कें नहीं बनाई जाती हैं, उन सड़कें नहीं बनने के बाद फिर वापस अगले महीने खोद दी जाती हैं। ये कब तक चलेगा? इस मामले के अंदर आज कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए कि साहब ये जो बार बार सड़कें खोदने का जो कार्य है ये बंद करवाया जाए और विद्युत विभाग हो चाहे जलदाय विभाग हो, अगर ये लोग इन लोगों को काम करना है तो एक बार में ये अपना काम करके या वहाँ पे एक चैम्बर बना करके छोड़े जिसकी वजह से सड़कें बार बार खराब नहीं हो। और अभी हमारा जो विरोध है वो इस बात का है कि जो बरसात हो रही है, बारिश का पानी जब सड़कों पर पड़ता है खड्डे दिखते नहीं है, अचानक कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति उसके अंदर गिरता है, उसकी काफी चोटग्रस्त होता है। जयपुर के अंदर अभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमको पता चला, बीती 2 दिन पहले एक व्यक्ति जो है वो विद्युत विभाग के द्वारा किए गए गड्ढे के अंदर गिर गया और उसको करंट लगने से उसके अंदर मौत हो गई। तो हम लोग इस चीज की मांग लेकर के आए कि ये बरसात अभी क्योंकि बाकी है महीना, ये जो जितने भी गड्ढे ये लोग कर रहे हैं उन गड्ढों को भरवाया जाए। और क्या यही वक्त मिलता है इन लोगों को, बारिश का मौसम मिलता है जिसके अंदर ये लोग ये सब कार्य इनको नजर आता है? तो हमारी ये मांग है कि अभी इनका फिलहाल ये काम रोका जाए और अगर जो जहाँ पे गड्ढे करते हैं ये लोग वहाँ पे उसको पुनः वापस उसको भरा जाए। मैं अजमेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती।